और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई के लेडीज बार संचालक वशिष्ठ यादव की कर्नाटक में हत्या, उड़पी से बरामद हुआ 100, पुरानी रंजिश में मर्डर। बेलापुर नवीमुंबई के दबंग हिंदी भाषी नेता और स्वाभिमान संगठन के पदाधिकारी रहे वशिष्ठ यादव की कर्नाटक में हत्या किए जाने की खबर ने हिंदी भाषियों में हड़कंप मचा दी है। वशिष्ठ यादव बेलापुर में माया बार नामक लेडीज बार चलाते थे। सूत्रों की माने तो यादव 3 दिन पहले कर्नाटक में एक शादी समारोह अटेंड करने गए थे, जहाँ 9 फरवरी की रात गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लोकल मीडिया के अनुसार उनकी डेड बॉडी उड़पी के हिरियाडका पुलिस स्टेशन की हद में झाड़ियों से बरामद हुई है। स्थानीय पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुधाकर थोनसे ने भी उनकी हत्या की पुष्टि की है। गौरतलब है कि वशिष्ठ यादव की पहचान नवीमुंबई के एक दबंग हिंदीभाषी नेता के साथ ही पूर्व मंत्री गणेश नाइक के कट्टर समर्थक और नितेश राणे के स्वाभिमान संगठन के एक सच्चे सिपाही के तौर पर थी। सूत्रों की माने तो कई लेडीज बार संचालकों के साथ उनकी कारोबारी रंजिश चल रही थी। कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने कुछ महीने पहले मीडिया के सामने खुलासा भी किया था और उनसे जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग भी की थी। फिलहाल उनकी हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा तो पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।